बहुत तेज नींद आ रही है, सो जाएंगे। उसके पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो भी है तुम्हें। कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री फ्रॉम कौन सा, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। लिख देते हैं कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल तो मेरे को क्या दिया है, इन ऑर्डर दिया हुआ है और पोस्ट ऑर्डर दिया है। मुझे एक बनाना है ट्री, तो मैं क्या करता हूँ, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर थोड़ा बता देता हूँ। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में क्या होता है ना, अगर बात करूँ मैं इन ऑर्डर की, इन ऑर्डर मतलब लेफ्ट रूट राइट एन डाल देता हूँ, ये वो समझ में आए। और पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है ना, लेफ्ट राइट और नोड आखिरी में प्रिंट होगा पोस्ट में। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, देखो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ओके तो प्री ऑर्डर, अच्छा प्री ऑर्डर वाला खुल गया है तो इसको बंद करते हैं, ये वाला पड़ा है ना। हाँ इन ऑर्डर दिया है और पोस्ट ऑर्डर दिया है, तो मैं इन ऑर्डर देख लेता हूँ कौन से पड़े हुए हैं। आई एन डाल रहा हूँ बेसिकली मैं, 9 3 15, 9 3 15, 20 और 7, ये इन आयन पड़ा हुआ है और एक पोस्ट पड़ा है। पोस्ट ऑर्डर में क्या है, 9 15 7 20 3, 9 15 7 20 और 3। अप्रोच क्या है भाई, देखो समझो पोस्ट में क्या है, नोड आखिरी में होगा, रूट आखिरी में होगा, तो कहीं ना कहीं ये मेरा, बात करूं ये मेरा रूट बन गया, बन गया रूट बन गया ये, तो कहीं ना कहीं मैं क्या करूंगा, इसका इंडेक्स यहाँ से फाइंड करूंगा। इन ऑर्डर हो गया, यहाँ पे मैंने फाइंड किया इसका इंडेक्स बेसिकली, कहाँ इनका इंडेक्स फाइंड करूँ, तो मैं अगर रेड कलर का लूँ यहाँ पे, देखो रेड कलर का अलग कलर से लेते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा। ये मैं यहाँ पे गया ठीक थी, इसका यह है और यहाँ पे मैं फाइंड हो गया एन। तो मेरे पास दो चीजें हैं इन ऑर्डर में, देखो इन ऑर्डर समझो, एक ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला है। तो मैं राइट वाले को मैं इटरेट करना चाहूंगा, रेड वाले के साथ खेलूंगा यहाँ पे 15 27। तो कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूं यहाँ पे 15 27 सीरियसली, तो लेफ्ट ओके कहाँ पे जाता है, यहाँ पे जा रहा था मैं। ओके रूट डॉट राइट होगा हमारा, इसमें क्या प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर जाएगा, सॉरी पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर जाएगा। इन ऑर्डर में क्या करूंगा मैं, राइट में इन ऑर्डर कहाँ तक जाएगा, ये मिड है तो मिड के बाद वाले से लेकर एंड तक, तो कहीं ना कहीं मिड प्लस वन से लेकर एंड तक जाएगा ये एंड तक। और वही अगर मैं लेफ्ट में जाऊँ, रूट डॉट लेफ्ट किस तरह से जाएगा, और लेफ्ट की बात करूँ तो वो स्टार्टिंग से लेकर मिड तक जाएगा, ये देखो लेफ्ट, और पोस्ट ऐसे ही जाएगा, पोस्ट यहाँ तक ही रहेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा कर एक एक करके करता रहूँ सीरियसली, तीन है ओके। तो मैं राइट में गया, तो राइट में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, ओके राइट मेरा मेरे पास होगा राइट में 15 20 17, ओके 15 20 17, तो 15 है 20 है और 7 है मेरे पास, इतना एक कर रहे कर रहा हूँ। और यहाँ पे 9, तो कहीं ना कहीं मान के चलो 15 20 और 7 है। ध्यान से अगर मैं आपको चेक कराऊं 15 20 7, मेरे पास पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल पड़ा हुआ है यहाँ पे, एक पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है, 20 रूट होगा आखिरी से देखना, आखिरी वाला रूट होता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये कहीं ना कहीं 20 हो जाएगा, 20 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये रूट होता है, रूट पीछे से रूट हमारा पोस्ट ऑर्डर में रूट होता है और रूट ही हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पे 20 हो गया, तो कहीं ना कहीं 15 और 7 ये लेफ्ट और राइट में जाएगा, तो मैं इसका राइट में जाऊंगा तो राइट में 7 आएगा, बचा 15 यहाँ पे, और इस तरह से 9 आया यहाँ पे। तो ये हमारा एक पोस्ट ऑर्डर के हेल्प से बना दिया, इसे कोड करूंगा आसान रहेगा, कोड कर लेते सबसे पहले यहाँ पे, और डिलीट करता हूँ और यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करते हैं, कंस्ट्रक्ट इन ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर इम्पोर्ट कर लेते हैं फटाफट, टाइपिंग से इम्पोर्ट करेंगे और ऑप्शन से इम्पोर्ट करेंगे, ये हो गई। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे कोड करना है, यहाँ पे चेक करूंगा इफ नॉट इन ऑर्डर, अगर मेरे पास इन ऑर्डर नहीं दिया हुआ है तो मैं रिटर्न रन कर दूंगा, ठीक है इन ऑर्डर नहीं दिया तो मैं कर नहीं सकता काम। अब मैं एक रूट नोड बनाऊंगा, रूट ये क्या जाएगा, ट्री नोड होगा हमारा, इसमें क्या पास करूंगा मैं, प्री ऑर्डर का अपो हमारा पोस्ट ऑर्डर का आखिरी वाला पास करूंगा, तो पोस्ट ऑर्डर डॉट पॉप करना पड़ेगा मुझे आखिरी वाला। अब यहाँ पे एक मिड फाइंड करेंगे, इंडेक्स बोलो मिड बोलो, इसके साथ फाइंड होगा, ये मैं इन ऑर्डर में पास फाइंड करूंगा, मैं इन ऑर्डर डॉट इंडेक्स करूंगा, इन ऑर्डर इंडेक्स और इसमें पास करूंगा आखिरी वाला रूट का वैल पास करूंगा, ये पास करूंगा, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ मेरे ख्याल से, ये पोस्ट ऑर्डर करके पॉप करके देखना उससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैं रूट के राइट में जाऊंगा, मेरे को पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है तो रूट के राइट में जाऊंगा मैं, सेल्फ डॉट बिल्ड ट्री करूंगा,
और देखो अगर मैं इन ऑर्डर की बात करूं, इन ऑर्डर कहाँ तक जाएगा? इन ऑर्डर यहां से यहां तक, इन ऑर्डर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इन ऑर्डर जाएगा, तो मिड प्लस वन से लेकर एंड तक जाएगा, राइट में जा रहे हैं ना, इसलिए। और यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर मैंने पास कर दिया, अब रूट डॉट लेफ्ट तक जाएगा, पोस्ट ऑर्डर पूरा पास कर रहे हैं, सेल्फ डॉट बिल्ड ट्री करेंगे। इन ऑर्डर कहाँ तक जाएगा? स्टार्टिंग से जाएगा ना, हमारा स्टार्टिंग रहेगा, स्टार्टिंग से लेकर मिड तक, और ये पोस्ट ऑर्डर मैंने पास कर दिया, इतना हो गया, तो मैं रिटर्न रूट कर दूंगा। रन करके देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर वीडियो को एंड कर देंगे। ये ओ ऑफ एन स्क्वायर लेगा, क्योंकि मैं इंडेक्स ही फाइंड कर रहा हूँ, तो इंडेक्स फाइंड करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, ओ ऑफ एन स्क्वायर रहने वाला है। अगर मैं ये इसको यहाँ पे ये कर लूँ, इससे चलेगा कि नहीं चलेगा? मैं होप चलने वाला है इससे, अगर मैं ये करूँ, रुको यार गड़बड़ हो गया यार, यहाँ पे जाएंगे, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा था ना, तो एक मिनट क्या कॉपी हुआ, ये कॉपी किया मैंने, हाँ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, मैं रूट से यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, सीरियसली पोस्ट ऑर्डर डॉट में उसको पॉप कर दिया, तो मैं डायरेक्टली रूट डॉट वैल से कर दूंगा मैं इंडेक्स फाइंड करने के लिए, और मैं पोस्ट ऑर्डर के साथ अपडेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से पीछे पीछे हटाता हटाता रहूंगा, तो इतना बच रहा है मेरा सीरियसली, तो पोस्ट ऑर्डर भी बच जा रहा है, तो इस तरह से ये कोड सही है। और फिर मैंने एक और यहाँ पे सबमिट किया, ये कैसे किया देख लेते हैं, इसको ऑप्टिमाइज वाला कोड कर लेते हैं अभी, तो ये कोड तो हमें सबमिट कर दिया, अब ऑप्टिमाइज वाला कोड करते हैं, तो कॉपी करता हूँ मैं, ओ ऑफ एन एन वाला होगा, तो कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूँ, हैश मैप का यूज करूंगा, हैश मैप आपको पता ही है, हैश मैप किस तरह से क्रिएट करते हैं, नहीं पता तो हैश मैप के ऑलरेडी बताया है मैंने, हैश मैप किस तरह से करते हैं बहुत सारे वीडियोस में, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक हैश मैप क्रिएट करूंगा, कोई भी नाम का हैश मैप क्रिएट कर दो, एमबी हैश मैप क्रिएट कर रहा हूँ, क्या करूंगा वी और एक आई फॉर आई वी इन एनुमरेट इन ऑर्डर, बेसिकली मैंने हैश मैप क्रिएट कर दिया, और उसके बाद एक नेफ हेल्पर क्रिएट करूंगा, और इसमें इंडिसेस पास कर दूंगा, लेफ्ट और राइट इंडिसेस। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार मेरा इंडेक्स में क्रिएट फाइंड आउट कर रहा था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्यों नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसको ओ ऑफ एन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, आउट ऑफ बाउंड एरर हो जाएगा इफ एल ग्रेटर देन आर होगा, और इसको इतने को मैं गड़बड़ हो गया, हाँ देख रहे हो बिना, अब सही होगा इतना है ना, अब मैं इसको सही कर देता हूँ छोटा करके, ठीक है यहाँ पे इतना हो गया, पॉप कर रहा हूँ, और इंडेक्स, ये इंडेक्स जो फाइंड करूंगा ना ये हटा रहा हूँ, ये कैसे करना पड़ेगा मुझे, डायरेक्टली मैं इसको इस तरह से फाइंड कर दूंगा, और इंडेक्स की जगह पे मैं इसको यहाँ पे ये जो है ना एमबी इस तरह से कर दूंगा, और सेल्फ डॉट बिल्डर की जगह पे मैं हेल्पर फाइंड करूंगा, हेल्पर करूंगा इधर भी हेल्पर कर दूंगा, मैंने देखो यार पोस्ट ऑर्डर तो चेंज होने नहीं वाला, इन ऑर्डर चेंज होगा, तो इन ऑर्डर कहाँ पे जाएगा, मिड प्लस वन से प्लस वन तक जा रहा था, ओके तो कहीं ना कहीं ये किस तरह से हो जाएगा, हाँ मिड प्लस वन तक जा रहा था, तो सिंपल मैं मिड प्लस वन तक कर दूंगा, और ये हमारा पोस्ट ऑर्डर हमारा आर तक जाएगा, राइट इंडेक्स, और यहाँ पे ये मिड तक जा रहा था, वन से लेकर मिड तक जा रहा था, तो इस बार ये चेंज नहीं होने वाला है, और यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर मिड माइनस वन हो जाएगा, रिटर्न रूट कर देंगे, और इधर मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न क्या करूंगा, हेल्पर कर दूंगा, और यहाँ पे पास करूंगा, क्या मैं पास करूंगा, जीरो पास करूंगा, और ये लेंथ ऑफ इन ऑर्डर माइनस वन, कॉपी करता हूँ रन करता हूँ, और कोई और अप्रोच होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कोड जब मैं सबमिट कर दूंगा, और वीडियो में एंड करते हैं, ऑफ एन यूज हो रहा है यहाँ पे, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हैश मैप का यूज कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ऑफ एन इसके लिए भी यूज हो रहा होगा, इसकी अगर मैं देखूँ ये कितना टाइम ले रहा है, 63% बीट किया, और ये 45%, और अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में कुछ और चीजें जानेंगे, बाइनरी ट्री का अभी भी 10-15 वीडियोस पेंडिंग है, कर रहा हूँ बाइनरी ट्री का, सोच रहा हूँ कल तक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा देख लेंगे, कल या परसों बाइनरी खत्म कर देते हैं, और एंगुलर की बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग है, सोच रहा हूँ एंगुलर की वीडियो शूट कर लूँ, क्या क्या पेंडिंग है मेरा, एडमिन के 2 पेजेस पेंडिंग है, तो उसका कलर करना है वो कर लेंगे, उसके बाद होम पेज डिजाइन करना है कर लेंगे, और साथ में लॉगिन ऑथराइजेशन और ये सब चीजें का सही से करना है, सॉल्ट पेपर डालना है और जेएलबी टोकन डालना है, ये दो चीजें डालनी है, और रोल्स पे काम करना है, ये चीज करनी है, ये सारी चीजें करेंगे, उसके बाद एंगल को वीडियो एंड हो देंगे, तो कहीं ना कहीं एंगल खत्म होने के बाद फिर मैं रिएक्ट के थोड़े बहुत वीडियो पेंडिंग है तो वो डाल दूंगा, और लिंक्यू और पाइथन की थोड़ा कंप्लीट करना है, तो लिंक्यू आसानी से हो जाएगा, जल्दी वीडियो शूट कर देंगे लिंक्यू उसके, फिर पाइथन से खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद में बाकी सीरीज पे फोकस करूंगा, इस पर कोडेड स्पेस वाली और बहुत सारी सीरीज दूसरी सीरीज पर फोकस करने वाला हूँ, तो ये वीडियो को एंड करते हैं,
और यहाँ पे डीएसए की बात करूँ तो बाइनरी ट्री कुछ वीडियोस पेंडिंग है 10-15, फिर बाइनरी सर्च ट्री होगा, फिर उसके बाद मेरा बचा हुआ बाइनरी सर्च, और उसके बाद बताया मेरा स्टैक एंड क्यू और हीप और ये सब चीजें बचा है, और आखिरी में बचा रहेगा ग्राफ। तो अभी क्या करूंगा, बाइनरी खत्म करने के बाद कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ बाइनरी सर्च कर लूँ। बाइनरी सर्च सिंपल है, बाइनरी सर्च कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे स्टैक क्यू कवर करेंगे और ग्राफ आखिर में करेंगे। ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर भी मैं कवर कर लूंगा ग्राफ के सारे क्वेश्चन जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद धीरे धीरे और भी क्वेश्चन जितने जैसे जैसे मैं करता रहूंगा उस वैसे मैं आपको दिखाता रहूंगा क्या क्वेश्चन करने हैं। अब मैं सोच रहा हूँ एक लीड SQL सर्वर का लीड कोड वाले कुछ वीडियो लाऊँ, इंपॉर्टेंट कुछ कटेड वाले हैं वो इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊँ। तो क्या बोले वो रहना ही नहीं, ठीक है मैं करूँगा वो वीडियोस भी जाऊँगा। मिलूँगा दूसरे वीडियो में जहाँ।